मारवाल जी रे बल्लभा कहूँ एक विनती रे, मारा कर्म तणी रे कथाए सुनो मारी आप बीती रे, सुनो मारी आप बीती रे, मारा वाल जी रे बल्लभा। प्राणेश्वर अक्षर अतीत ने हमारे लिए एक खटुति की वाणी दी है, सटुति विरह की वाणी है। सटुति का तात्पर्य क्या है? एक वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और शिशिर। इन छह ऋतुओं में प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखकर विरहणी की विरहाग्नि और बढ़ जाती है। प्रकृति भी श्रृंगार करती है, ये खिलते हुए फूल, बहती हुई नदियाँ जो सागर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी को फैला रहा है, बर्फ से ढके पर्वत, लहलाती फसलें, वृक्षों से लिपटती हुई लताएं कुछ न कुछ कह रही हैं। वे सर्वशक्तिमान परमात्मा को रिझा रही हैं। एक ब्रह्मलीला की छाया कहीं न कहीं प्रकृति मंडल में दृष्टिगोचर हो रही है, इसको कहते हैं छायावाद। यानी जड़ दिखाई देने वाली प्रकृति में भी एक श्रृंगार है सर्वशक्तिमान को रिझाने का। सटुति की वाणी की भूमिका क्या है आप जानते हैं? अभी बहुत हो हल्ला मचा था, पद्मावत अभी पिक्चर जो दिखाई जा रही थी, ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में पद्मावत ग्रंथ मूल रूप का रखा हुआ है जो बहुत मोटा है। पद्मावत ग्रंथ का घटनाक्रम यह है, पद्मावती के इर्द गिर्द वह ग्रंथ रचा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी फकीर हैं। सूफी विचारधारा इस तथ्य को लेकर के चलती है कि इसके मजाजी से इसकी हकीकत की तरफ मुड़ना और अपने मासूक को रिझाना। रिझाने वाला कौन है? आशिक यानी रूह। मासूक कौन है? अल्लाह ताला। इस घटनाक्रम में इसके मजाजी जो इस संसार का है उसका वर्णन किया गया है। चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह हैं, सिंघल द्वीप की पद्मिनी का सौंदर्य सुनकर उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे विरह में हैं पद्मिनी के, लेकिन उनके पहले का विवाह हो चुका है नागमती से। नागमती ने उनको कोई कटु वचन कह दिया होता है, वह उनके हृदय को ठेस लगती है और वे पद्मिनी को पाने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जब नागमती को अपनी भूल का एहसास होता है तो वह विरह में तड़पने लगती है। वह तड़प रही है रत्न सिंह के लिए, रत्न सिंह तड़प रहे हैं पद्मिनी के लिए या पद्मावती के लिए। और इसमें जिसको शैतान का रूप माना गया है वह है अलाउद्दीन खिलजी। पूरा पद्मावत ग्रंथ अपने पुस्तकालय में रखा है, जिन सुंदर साथ की इच्छा हो सुभाष जी से मिलकर उसको देख सकते हैं। इसमें छह ऋतुओं में किस तरह से नागमती अलग तड़प रही है, रत्न सिंह अलग तड़प रहे हैं और एक घड़ी आती है पद्मिनी भी विरह में तड़पती है। तीनों का विरह दर्शाया गया है। विरह कितनी बड़ी वस्तु है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, बिना विरह के अध्यात्म की नींव तैयार हो ही नहीं सकती। हफ्से में जाना पड़ता है श्री महाराज को, जब बीतक के घटनाक्रम को आप देखें, अरब से आते हैं लौटकर श्री महाराज, बालबाई की चुगली हो जाती है कि यदि सतगुरु महाराज आपने उनका प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। श्री देवचंद जी विवश हो जाते हैं कि महाराज का प्रणाम स्वीकार नहीं करना है, मुख पर चादर ओढ़ लेते हैं। सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है ना
कि सद्गुरु महाराज को बाल भाई के दबाव में नहीं आना चाहिए। महाराज ने बहुत अच्छा किया कि सद्गुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भी एक दृढ़ता कर ले कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक मैं अपने आप नहीं आऊँगा। कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम सुंदर साथ भी संशय के घेरे में रहते हैं कि जिस तन में अक्षरातीत की बैठक हो वह तन आखिर बाल भाई के दबाव में क्यों आ गया। बात ऐसी नहीं है, प्रेम की गति बहुत ही विलक्षण है। मानवीय बुद्धि से इस प्रेम को नहीं समझा जा सकता। आप तो सोचते हैं ना कि देवचंद जी ने गलत किया, देवचंद जी के अंदर कौन बैठा है, सर्वशक्तिमान अक्षरातीत, उनके ऊपर बाल भाई जैसी 100 बाल भाई का भी दबाव कोई काम नहीं कर सकता। अक्षरातीत जानते हैं कि महाराज के तन में मुझे विराजमान होकर लीला करनी है। महाराज का जीव भले ही कलाप ग्राम का योगी है, अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है जिस मंजिल पर मुझे पहुंचाना है। उस तन से परमधाम की वाणी का उत्तरण करना है, इसलिए विरह की भट्टी में तपाना होगा। सारे तोहमत सुंदर साथ के संशय भरे आरोपों को राजजी स्वयं स्वीकार करते हैं। कल्पना कीजिए, जब श्री महाराज आए होंगे अरब से 5 सालों के बाद, श्री देवचंद जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया होगा, तो हो सकता है किसी ने प्रत्यक्ष में ना बोला हो, लेकिन दबी जबान से अनेक सुंदर साथ ने यही कहा होगा कि सतगुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया। आप सब सुंदर साथ भी यही सोचते हैं कि सतगुरु महाराज को कम से कम प्रणाम तो स्वीकार कर लेना चाहिए, मुंह पर चादर ओढ़ लेने का क्या मतलब। बात यह नहीं है, बात कुछ और है कि महाराज तुझे मुझे अक्षरातीत के रूप में बनाना है, तुझे मुझे अपनी शोभा देनी है, तुझे विरह की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। महाराज का हृदय भी इस रहस्य को जान नहीं पाता। वो भी 2 साल तक कलाजी के पास रहते हैं, 2 साल अपने भाई के घर रहते हैं। वहाँ से भी जब ठोकर मिलती है तब उनके अंदर जागरूकता आती है। जब राजाओं के काम करते करते टैक्स भरने के लिए अपमानित होना पड़ता है तो सोचते हैं कि मैं सतगुरु महाराज से ये अपने अहंग, कहीं ना कहीं अहंग का बीज तो मेरे अंदर था, यदि वो प्रणाम स्वीकार ही नहीं किए तो क्या अंतर पड़ गया, मुझे उनके चरणों में क्यों नहीं अपना शीश झुका देना चाहिए। 5 साल अरब में तड़पते रहे हैं, दूर हैं। 4 साल देश में आने के बाद 2 साल भाई के यहाँ, 2 साल कलाजी के यहाँ, मिलन नहीं हो पा रहा है। विवश किया जा रहा है, जानबूझकर ये घटनाक्रम बनाया जा रहा है कि महाराज को तड़पाया कैसे जाए। ये बात समझ में आ जाए इसके लिए मैं एक और सच्ची घटना बताता हूँ। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में तानसिंह गायक है। तानसिंह को अभिमान है, मेरे जैसा कोई गायक नहीं। आप जानते हैं संगीत हृदय की पुकार है, इसलिए सरस्वती के हाथों में वीणा है, नारद के हाथों में वीणा है। ज्ञान और भक्ति का आधार है संगीत, इसलिए हरदास जी ने उस संगीतमय भक्ति से अपनी आराधना को पुष्ट किया होता है। तानसेन की अहंकार का शिकार बन जाता है बैजू बावरा का पिता। बैजू बावरा अपने पिता की मृत्यु से व्यथित है, वह सोचता है कि तानसेन का मुकाबला मैं करूंगा, क्योंकि जो तानसेन का मुकाबला नहीं कर पाता है उसको फांसी की सजा दी जाती है। बैजू बावरा का प्रेम है एक लड़की से। लड़की सोचती है कि मेरा प्रेमी बैजू जीतेगा कैसे, उनका शुद्ध नाम है बैजनाथ। युवक है, संगीत का दीवाना है और हरिदास जी का शिष्य है। हरिदास जी से तानसेन भी जुड़े हैं। तानसेन का असली नाम कुछ और है, वो ब्राह्मण थे। मुस्लिम लड़की से विवाह करने के पश्चात उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन उनका नाम तानसेन रख दिया गया था।
उनको मियाँ तानसेन कहा जाता है, जबकि जन्म से वो ब्राह्मण थे। अब वो लड़की सोचती है कि यदि तानसेन से हार हो गई तो मेरे प्रेमी बैजू को तो फांसी दे दी जाएगी, क्या करना होगा। उसने जानबूझकर नाक से अपने को कटवा लिया कि मेरा बैजू जब विरह में मेरे विरह में तड़पेगा तो इसके हृदय का संगीत फूटेगा। देखिए प्रेम कहते किसको है, प्रेम में बलिदान दिया जाता है, प्रेम में स्वार्थ की कामना नहीं होती है। वह लड़की संसार के सुख के लिए प्रेम नहीं कर रही है, उसने जानबूझकर भयंकर नाग से अपने उंगली में दंश करवा लेती है कि तानसेन को जीतने के लिए यदि मुझे मरना भी पड़े अपने प्रेमी के लिए तो मुझे स्वीकार है। अब वैजू विरह में पागल हो जाता है, उसके हृदय का संगीत फूट पड़ता है। संसार में संघर्ष के लिए सहारा कौन बनता है, गुरु ही। अब वो चल पड़ता है अपने गुरु हरिदास जी के दर्शन के लिए। हरिदास जी उस समय तक वयोवृद्ध हो चुके होते हैं, घुटनों में रोग होने के कारण चल नहीं पाते, घुटने बैठे बैठे जकड़ गए होते हैं। बैजू बावरा होकर गाता जाता है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। जैसे जैसे एक एक पंक्ति गाता जाता है हरिदास जी का वह रोग ठीक होता जाता है। हरिदास जी खड़े हो जाते हैं, बैजू आता है, उसको गले से लगा देते हैं, कहते हैं बैजू तेरी विजय हो। और वही होता है, विश्व प्रसिद्ध तानसेन नतमस्तक हो जाते हैं बैजू बावरा के सामने, लेकिन बैजू बावरा उनको क्षमा कर देता है, वो फांसी पर नहीं चढ़ाता। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि बैजू के अंदर वो विरह नहीं फूटा होता तो तानसेन को कभी भी जीत नहीं सकते। अभी जिस प्रकरण की चर्चा होने जा रही है वो मल्हार राग में है। यह मल्हार राग क्या है, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु को भी मल्हार ऋतु कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मल्हार राग को गाया जाता है आकाश में बादल न हो तो बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है। सूरदास ने इस राग का आविष्कार किया था, तानसेन ने इस राग का आविष्कार किया था। आप सोचेंगे सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और 1000 शाखाओं में सामवेद के मंत्रों का गायन किस तरह से होता था। आजकल का संगीत तो कुछ भी नहीं है, आजकल के संगीत में वीणा में कितने तार होते हैं, वीणा तो देखने को ही नहीं मिलती आजकल, कहीं कहीं कोई कोई बजाने वाला होता है। जो वीणा थी उसको अमीर खुसरो ने काटकर सितार बजा दिया। और आजकल तो ना उछलने कूदने का ही संगीत चलता है, पश्चिमी संगीत तो कानफोड़ू संगीत है। कभी इस देश में 1000 तारों वाली वीणा हुआ करती थी, 100 तारों वाली वीणा हुआ करती थी। आप सोचिए जब 1000 तारों की वीणा पर वेद के मंत्र गाए जाते होंगे तो ऐसा कौन पत्थर दिल है जो पिघल ना जाता होगा। जैसे बैजू बावरा को जिताने के लिए उसके अंदर विरह का रस उड़ेलना था, उसी तरह से अक्षरातीत को पाने के लिए मिहराज के हृदय में विरह का स्रोत फूटना आवश्यक था। इसलिए जिस तन में राजी बैठे हैं उस तन ने अपने ऊपर ये आरोप स्वीकार कर लिया कि वो बाल भाई के दबाव में आ गए। क्यों, आशिक का काम क्या होता है, अपने मासूक को सर्वोपरि स्थान पर बैठाना। प्रेम क्या कहता है, प्रेम कहता है जिसे तुम्हारा प्रेम है उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर दो। मैं कुछ घटनाक्रम इतिहास का बताता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ को वन में जाना है, ऐसा नहीं है कि यशोधरा को मालूम नहीं है, यशोधरा को मालूम है कि मेरे प्रीतम आज की रात महाप्रयाण करने वाले हैं। वो सोने का नाटक कर रही है, वो देख रही है कि बुद्ध उठ रहे हैं, मेरा प्रीतम जिसके बिना मैं जी नहीं सकती आज वन को प्रस्थान करने वाले हैं। लेकिन वह सोचती है यदि मैं उठ गई सिद्धार्थ को भनक लग जाएगी कि यशोधरा उठ गई है तो कहीं मोह का ये बंधन उनको रोक न दे। मेरा सच्चा प्रेम यही है, भले ही मैं उनके बिना सारे जीवन रोती रहूं लेकिन मैं उनको लक्ष्य से कभी भटकने नहीं दूंगी।
या उस इस देश में जो प्रेम की व्याख्या की जाती है उसमें त्याग होता है, विलासिता नहीं। रानी हंडा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक दिन पहले विवाह हुआ है और रानी हंडा देखती है कि मेरा पति मेरे मुंह में युद्ध स्थल में जाने से झिटक रहा है, तो अपनी गर्दन काटकर थाल में अपनी गर्दन भिजवा देती है कि मेरे इसी शरीर से तो आपको लगा हुआ है ना, अब युद्ध में नहीं जा रहे हैं तो जाइए, मैंने गर्दन पहले ही काट कर भेज दी है। एक दिन पहले विवाह हुआ और वह युवती अपनी गर्दन कटवा कर अपने पति के पास भिजवा रही है कि कर्तव्य से पीछे ना हटिए। यदि उर्मिला लक्ष्मण के साथ चली जाती तो संभव है लक्ष्मण अपने लक्ष्य से भटक सकते थे, क्योंकि मेघनाथ को मारने का अधिकार किसको प्राप्त हो सकता था जो अखंड ब्रह्मचारी हो। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा, नार और भोजन का सेवन नहीं किया। अल्प मात्रा में आहार करते हुए पूरी पूरी रात जागकर ध्यान करते हुए लक्ष्मण ने गुजारी थी, क्योंकि मेघनाथ तांत्रिक क्रियाओं से इतना शक्तिशाली हो चुका था संसार में उसको मारने वाला कोई भी नहीं था। उर्मिला को यह रहस्य मालूम था, उसने सोचा कि जरा सी भी चूक मेरे पति के लिए घातक हो सकती है। उर्मिला खुशी खुशी भेजती है। जब लक्ष्मण वन में चले जाते हैं उस दिन से उर्मिला ने कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखा, कभी पलंग पर शयन नहीं किया, खुले जमीन पर कुश का आसन बिछा करके शयन करती है, कंदमूल खाकर किसी तरह से शरीर को जीवित रखे हुई है। यह है पवित्र प्रेम। सीता का अपहरण होता है, सीता अशोक वाटिका में है, कभी श्रृंगार नहीं, शरीर पर मैल जमी हुई है, वस्त्र गंदे हैं, फटे हैं, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं, केवल चिंतन किसका है, राम का। मैं तो संसार के प्रेम की एक झलक आपको दिखा रहा हूं। यदि श्री देवचंद जी मिहिराज के हृदय में ठेस नहीं पहुंचाते कि तुम्हारा प्रणाम स्वीकार न किया जाए तो क्या होता। अरब से आते श्री देवचंद जी, श्री मिहिराज देवचंद जी हंसते बोलते भले ही बाल भाई ने शिकायत की हो तो क्या होगा होता, मिहिराज मिहिराज ही रह जाते, वो महामती नहीं बन पाते। इसलिए सारा आरोप अपने ऊपर लिया कि चलो बाल भाई के दबाव में आ गए, लेकिन मिहिराज को तो निखारना है, उस तन से परम धाम की वाणी उतारनी है। 5 साल पहले विरह में तड़पा दिया, 4 साल अब विरह में तड़पा दिया, और उसके आने के बाद केवल 22 दिन का मिलन होता है गुरु शिष्य का दुनिया के रिश्ते से। उस तन में इंद्रावती की आत्मा है, उस तन में श्यामा जी की आत्मा है, श्यामा जी के तन में राज्य लीला कर रहे हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि श्री जी के साथ जिस आत्मा की शोभा होनी है उनकी अर्धांगिनी के रूप में, उस फूल बाई को भी विरह में तड़प कर अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। विरह की कसौटी पर सबको परखा जा रहा है। अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होते हैं उस तन को संसारिक बंधनों से दूर करके इस तरह से विरह की अग्नि में तपाया जाता है कि संसार की कोई कालिमा उस हृदय में न रह जाए। आप सोचेंगे एक ही शहर में देवचंद जी भी हैं, एक ही शहर में मिहिराज भी हैं, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है, कैसी लीला है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या सोचता कि जब हमें सतगुरु महाराज नहीं मिलाते बुलाते हैं तो हमें क्या लेना देना, हम अपने घर ठीक हैं, वो अपने घर ठीक हैं। आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो क्या सोचते हैं आप कि रांची हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा देवी की भी भक्ति कर लें, हनुमान जी की भी भक्ति कर लें, काम तो करना ही है, संसार में रहना है तो सबको खुश करना है। ब्रह्मात्मा सबको खुश नहीं कर सकती। संबंध बनाना अलग बात है, लेकिन अपने प्रेम का बंटवारा करना ब्रह्मात्मा को कभी भी स्वीकार नहीं है। वही प्रसंग इस खटुते की वाणी में दिया गया है। 6 ऋतुओं में कैसे कैसे विरह की पीड़ा व्यक्त होती है। सावन का महीना है, आकाश में घने बादल घुमड़ रहे हैं, काले काले बादलों का सौंदर्य दिख रहा है, शीतल हवा के झोंके बह रहे हैं,
वर्षा की मध्यम फुहार गिर रही है, ऐसे में विरहणी की विरहाग्नि कितनी भयंकर होगी ये कहा नहीं जा सकता। हर ऋतु में जो दृश्य आ रहे हैं वो हृदय को झकझोरने वाले हैं। एक वर्णन आता है, योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला से पहले जब गोलोकी कह लीजिए जो जनमानस में प्रचलित है, वो श्री कृष्ण चले जाते हैं कि मैं 4 दिन के बाद लौट आऊँगा। गोपियाँ उनके विरह में तड़पने लगती हैं। सारी उम्र श्री कृष्ण ने तो कहा था कि 4 दिन में लौट आऊँगा मथुरा से, तुम चिंता न करो। मथुरा से द्वारका भी चले जाते हैं लेकिन फिर लौट करके नहीं आए। कभी श्री कृष्ण दोबारा वृंदावन लौट करके नहीं आए, लेकिन राधा सहित सभी गोपियाँ यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। ये तो राज्य का आदेश था, उनको विरह में तड़पना ही था। बिना विरह में तड़पे हुए इन वेद ऋचा सखियों को, इन प्रतिबिंब स्वरूपा सखियों को योग माया के महारास के सुख का रसस्वादन कैसे मिल सकता था। इसलिए तो विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले हुई नहीं दिल पाक। विरह की अग्नि में जब तक आप अपने को जलाते नहीं, आपके अंदर के काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकार कभी भी नहीं जा सकते। आप हिमालय की गुफाओं में बैठ जाइए, पर्वतों की तलहटियों में छिप जाइए, भयानक वनों में छिप जाइए, जब तक विरह की भट्टी में आप चलेंगे नहीं, आपके अंदर से विकार कभी भी नहीं जा सकते। 6 महीने के अंदर हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा ने विरह में तड़प कर अपने प्राणेश्वर को पा लिया। विरह के कई स्तर हैं। जब बांसुरी बजती है तो सखियां तड़प करके जाती हैं, अपना शरीर छोड़ देती हैं, वह विरह अलग तरह का है। जब महाराज के अंदर अंतर्धान की लीला होती है उस समय गोपियों की मानसिक अवस्था अलग है कि हमारे प्रीतम हमारे सामने लीला कर रहे थे, अब वो कहाँ हैं। इसी तरह से सिंधी में इंद्रावती जी की आत्मा की विरह, वह विरह कुछ और है। सिंधी का विरह कब है, जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने इससे क्या पाया, कैसे हमारी आत्मा जागृति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, यह सिंधी में दर्शाया गया है। प्रकाश हिंदुस्तानी में जो विरह है या गुजराती में विरह है कि श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को मैंने पहचाना क्यों नहीं, इस प्रकार का विरह है। खटुतीक में भी 2 तरह का विरह है। पहले प्रकार का विरह, एक ही तन में बैठे हुए राज्य श्री देवचंद जी के तन में, दोनों एक ही पुरी में बैठे हैं लेकिन न वे बुला रहे हैं न ये जा रहे हैं। देवचंद जी के अंदर बैठे हुए राज जी जानबूझकर नहीं बुला रहे हैं, ऐसा नहीं था कि देवचंद जी कोई कठोर हो गए या किसी के दबाव में आ गए। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, राज जी का आवेश है, युगल स्वरूप देख रहे हैं कि मिहराज तड़प रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं अभी तड़पने दो, क्योंकि जब तक ये तड़प परिपक्व नहीं होगी तब तक उस तन को अक्षरातीत की शोभा से कैसे सुशोभित किया जाएगा। कोई खुश नहीं है, देवचंद जी भी खुश नहीं है, मिराज भी खुश नहीं है। वैसे तो सीता प्रत्याग की बात सच्ची नहीं मानी जाती है, वो प्रक्षिप्त ही माना जाता है, लेकिन ये प्रक्षिप्त घटना भी सच है। तो ये बात मानिए, सीता को त्यागने के बाद राम कभी भी मुस्कुराए नहीं, लेकिन प्रजा की खुशी के लिए सीता का परित्याग करने में उन्होंने 1 मिनट की देर नहीं लगाई और लक्ष्मण को कह दिया, जाओ लक्ष्मण तुम अपनी माता सीता का परित्याग कराओ। त्याग समर्पण श्रद्धा और विरह की नींव पर ही प्रेम का भवन खड़ा होता है, यह बात आप ध्यान में रखिए। 6 ऋतुओं में क्या विरहणी की अवस्था है, यह खटुती की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है। और यह मत समझिए कि खटुती
केवल मिराज के लिए थी, हम सब सुंदर साथ के लिए हैं, खटरुती है। हमारा समय बीत जाता है, उस समाज का क्या हस्त्र होगा जिस समाज में परमधाम की प्रेम लक्षण भक्ति की शिक्षा नहीं दी जा रही है, चितवनी की शिक्षा नहीं दी जा रही है, मंच पर ठुमके लगाए जा रहे हैं और वो भी भद्दे तरीके से, ना आध्यात्मिकता का कोई रस, ना शिष्टाचार की शालीनता, भद्दे तरीके से जैसा आजकल हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा हमारा समाज आने वाले समय में, यदि सावचेत नहीं हुआ तो ऐसी अंधेरी निशा में खो जाएगा जिसमें से उसको कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। ये खटुती के एक एक शब्द हृदय को वेधते हैं, विरह की पीड़ा को दर्शाते हैं। हमारी नवधा भक्ति नहीं है कि माला लेकर के बैठे चांद जप करने के लिए कि आज एक एक माला हो गई, आज 10 माला हो गई, आज 1 लाख मैंने जप कर लिया, क्या होगा? आप 1 अरब भी जप कर लें, आपका हृदय विरह में तड़पा नहीं तो अक्षर अतीत कहाँ से आने वाले हैं? यदि यह करना होता तो सारी दुनिया जप करती रहती और उसको पा लेती। जप तो मन वाणी से होता है और वह आत्मचक्षुओं से देखा जाता है। जब तक बाहर के नयन बंद न हो, अंदर के नयन खुले नहीं, वो नजर कहाँ से आएगा? इंद्रावती जी की आत्मा देख रही है श्री देवचंद जी के अंदर, मेरा सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राणेश्वर विराजमान है। अभी मन में एक तड़प है कि आखिर सतगुरु महाराज ने मुझे पुकारा क्यों नहीं, मुझे एक बार तो बुला लेते। प्रेम है लेकिन कहीं ना कहीं अस्मिता जिसको कहते हैं, अहंकार के मूल में जो बीज कार्य कर रहा होता है उसका अर्थ होता है, उसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता यानी स्वयं के अस्तित्व का भान। देखिए राजा जनक के पास जाते हैं सुखदेव ब्रह्म ज्ञान के लेने के लिए। राजा जनक कहला देते हैं अपने पहरेदारों से कि सुखदेव को अंदर नहीं आने देना, सुखदेव वहीं बैठे रहते हैं। 3 दिन हो जाते हैं, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, पहरेदार धक्का दे देते हैं। बताइए आप सुंदर साथ तो ब्रह्मनी है ना परम धाम के, आपको मुख्य गेट पर ज्ञानपीठ के गेट पर कोई दरवाजा खोलने में 1/2 घंटे की देर लगा दे, आपके चेहरे पर कितना तनाव आ जाता है। आपको खोलने कमरा देने में थोड़ी देर हो जाए तो आप कितने गुस्से में लाल हो जाते हैं। वो तो सुखदेव हैं, दरवाजे पर बैठ गए हैं सुखदेव, वो भी सुखदेव जिनके पास कुछ नहीं है, हाथ में कद्दू का कमंडल है, कोई 1 रुपया भी नहीं, पैदल चल कर आए हैं कितनी दूर से कि जनक के पास मुझे ब्रह्मज्ञान मिलेगा। और जनक भी परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव के अंदर तड़प कितनी है। परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं सुखदेव और तब जनक स्वयं स्वागत करने के लिए चल करके आते हैं। इसलिए विरह की अग्नि से जब तक आपका हृदय उसके प्रति पूर्ण समर्पित न हो जाए वो सामने नहीं आता। सामने होता है लेकिन दिखता नहीं, आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है लेकिन वो दिखता नहीं। मिराज पहले भी थे, बाद में भी तन वही मिराज करा, हफ्से में जाने से पहले वो मात्र मिराज कहला रहे थे, हफ्से में गए तो श्रीराज बन करके आए। श्रीराज किसने बनाया? विरह की भट्टी ने तो बनाया, और उसको उस मंजिल पर किसने बनाया? स्वयं राज ने पहुंचाया। देवचंद जी के तन में बैठकर जानबूझ करके वैसा वातावरण बनाया कि मिराज के अंदर से वो पीड़ा का झरना फूटे। आजकल माताएं अपने लाडलों को क्या कहती हैं? सोते रहो बेटे, सोते रहो, अभी तो सूरज अभी निकला है, 8 बजे तक लाडला सो रहा है, उसको उठाएंगे नहीं, फिर वो उनका लाडला क्या बनेगा? न विद्वान बनेगा, न किसी समाज के काम का आएगा। आज की माताएं भूत से डराती हैं, और तो और कॉकरोच से आजकल के बच्चे डरते हैं। क्यों? क्योंकि माताओं में वो तप त्याग नहीं है, ऐसा लाड प्यार किसी काम का नहीं जो संतान को न विद्वान बनने दे, न भक्ति में लगने दे, न वीर बनने दे। ऐसी संतान पृथ्वी पर पैदा ही न हो तो भी अच्छा है, लेकिन कायर भोगी विलासी और मूर्ख संतान होने से पहले से अच्छा है न पैदा होने देना।
लेकिन इस विकृति को पैदा करने वाली कौन है? वो माताएं हैं। वही माता धन्य है जो अपने बच्चे को प्रेरणा देती है, जाओ वीर बनो, विद्वान बनो, परमात्मा की भक्ति में डूबो, लेकिन आलसी न बनो। जो माताएं, जो पत्नियां अपने पतियों को आलसी भोगी बनाती हैं, जो माताएं अपने बच्चों को आलसी भोगी विलासी बनाती हैं, उन्हें नारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जो पिता ऐसी शिक्षा देता है उसको पिता कहलाने का अधिकार नहीं। जो आचार्य अपने विद्यार्थियों में ज्ञान का संस्कार नहीं दे सकता, आचरण का संस्कार नहीं दे सकता, उसको आचार्य कहलाने का अधिकार नहीं है। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन आचार्य चाणक्य फटकार लगाते हैं, क्या आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं है? प्रेम है, लेकिन यदि चंद्रगुप्त कोई भूल करता है तो आचार्य चाणक्य उसको कठोर दंड भी देते हैं। उनको विश्वास है कि मेरा यह शिष्य भारत का सम्राट बनने वाला है, और उसको सम्राट बनाने के लिए चाहे कितनी कठोर परीक्षाओं से गुजारना होगा उसको गुजारा जाएगा। आप सुंदर साथ को भी राजी जब उन परीक्षाओं से गुजारते हैं तो आप तो चीखने लगते हैं। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताते सुख को छोड़कर दुख ले सके सोले। श्री महामत कहें दुख को मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवेता है। आपको दुख मिलता है आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। जब आपने दुख देखने की इच्छा व्यक्त की है, राजी आपको दुख दिखा रहे हैं, दुख दे नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं, दुख न देऊ फूल पांखड़ी, देखू शीतल नैन, उपजाऊ सुख सबंगो, बुलाऊ मीठे बैन। वैसे ही अक्षरातीत ने हमारे लिए परीक्षा की कसौटी की है। अब देखिए इंद्रावती की आत्मा पुकार रही है, देवचंद जी के तन में बैठे हैं राज्य। भाव यह है, अभी नीत है कि सद्गुरु महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कम से कम कर तो लेते। क्या मैं पैसा खा गया था? बिहारी जी ने शिकायत कर दी, वो बात मान ली। बाल भाई ने शिकायत कर दी, वो बात मान ली। या तो वो राज्य नहीं, साधारण मनुष्य हैं। यदि राज्य हैं तो वो बाल भाई की कहे बात पर क्यों चल रहे हैं? कुछ न कुछ तो राज होगा। यह राज उस समय कहाँ नहीं जा सकता था, तब तो नाटक बन जाता। देवचंद जी ये क्यों कहते महाराज से कि महाराज मैं तुमसे अंदर से खुश हूँ, मैं अभी दिखाने के लिए तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करूँगा ताकि बाल भाई खुश रहे। नहीं, ये भेद खुल जाता तो महाराज तड़प ही नहीं पाते। और महाराज को जो वीरा की शिक्षा देकर हफ्से में अक्षरातीत के सिंहासन पर बैठाना था, वो काम अधूरा रह जाता। इसलिए हर लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता है। महाराज को तड़पाना है और उस तड़प के पद चिन्हों पर हमें इस छठे दिन की लीला में चलना है कि हमारे लिए तो राज से लेकर क्यामत नमत तक की वाणी उपलब्ध है। वाणी का एक एक शब्द हमें आत्म जागृति की तरफ ले चल रहा है। अब पहला चरण सुनिए, इंद्रावती जी की आत्मा की कितनी करुण पुकार है। यह राग मल्हार में गाया गया है, यानी वह राग जिसमें गाने पर नीले आकाश, जिसमें बादल का एक टुकड़ा न दिखता हो, बादल छा जाए और वर्षा होने लगे। देखेंगे एक एक शब्दों में क्या कहा गया है। कहो एक विनती रे, मेरे प्राणेश, मेरे आराध्य, मेरे जीवन के सर्वस्व, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ। अभी तो भाव वही है, सतगुरु महाराज आपके स्वरूप में तो मेरे राजीव विराजमान है। महाराज के तन पुरुष का है, श्री देवचंद जी का तन पुरुष का है, लेकिन महाराज के तन में इंद्रावती की आत्मा है, देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा है, और श्यामा जी के धाम हृदय में राजीव विराजमान है। इसलिए संसार में एक भक्ति चल पड़ी है परमात्मा को क्या कहने की, परम पिता। वेद का एक मंत्र होता है, सहनो बंधु जनिता स धमान वेद भुवनान विश्व, वह हमारा पिता है कहा जाता है, वो हमारा भाई है। आप गीता के श्लोक को तो सुने होंगे ना, तुम्हें माता जपता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें। आप परमात्मा को किसी भी रूप में मानिए, दुनिया के लिए ठीक है भाई के रूप में मानिए, वेद के अनेकों मंत्र में सखा कहा गया है, लेकिन प्रियतम भी कहा गया है।
यस पत्नीम वाधते यस विन्दते पतिम। आत्मा का प्रीतम कौन है? परमात्मा। प्रेम का सर्वोच्च रूप कहाँ निखरता है? वो प्रीतम के पास। पिता और पुत्री में भी लगाव होता है कुछ समय के लिए। विवाह होने के पश्चात पिता का उत्तरदायित्व अलग होता है, बेटी का संबंध पति के साथ जुड़ जाता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो समर्पण हमेशा नहीं बना रहता। भाई के साथ भी लगा होता है, मित्र के साथ भी लगा होता है, माँ बेटे में भी लगा होता है। ये सारे रिश्ते होते हैं जिनमें स्नेह भावना होती है, लेकिन जो प्रिया प्रीतम का समर्पण है, दोनों तन मन से एक हो जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध अलग होता है, विदेशों में अलग होता है। विदेशों में जो विदेशी संस्कृति में विवाह का तात्पर्य है शरीर का विवाह, भारतीय संस्कृति में विवाह का होता है शरीर के साथ हृदय का भी विवाह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी सीता से विवाह के पश्चात किसी के ऊपर आंख नहीं उठाई होगी। और विवाह से पहले भी जनकपुर में घूमते समय एक बार सीता की तरफ नजर उठ गई थी तो लक्ष्मण ने डांट दिया था अपने बड़े भाई को कि भ्राता, हमारे सूर्यकुल में आज तक किसी ने भी प्राय स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाई, आपकी आंख कैसे उठ गई सीता की तरफ। राम को सफाई देनी पड़ी कि अनुज, यदि मेरी आंख उठी है तो कुछ कारण रहा होगा, अन्यथा स्वाभाविक है मेरी दृष्टि कभी प्राय स्त्री की तरफ उठ ही नहीं सकती थी। ये हमारी संस्कृति रही है। मेरे कहने का से क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल प्रिया प्रियतम का संबंध है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था अंगना भाव में ही पूर्ण होती है। एक पतिव्रता विवाह के पश्चात जब पति को अपना सर्वस्व सौंप देती है तो पति के बिना वो जीवित रहने की कामना नहीं करती, जिसमें सर्वस्व समर्पण हो जाए। भाई भाई को सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकता। राम और भरत का भी प्रेम है, राम और लक्ष्मण का भी प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन राम और सीता का जो प्रेम है उसके सामने सारे संबंध फीके हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में सर्वस्व समर्पण है। सीता राम के बिना जीवित नहीं रह सकती, राम सीता के बिना नहीं रह सकते। ये भी बात है, राम और लक्ष्मण की मृत्यु भी एक दिन ही हुई, वो दोनों भाई भी चारों भाई भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, किंतु जो समर्पण की पराकाष्ठा सीता और राम के प्रेम में है वो राम और लक्ष्मण के प्रेम में नहीं हो सकती।